और कोई आ, यस सोनाली आ गई, ऋतुजा आ गई, स्नेहा आ गई, गुड चलो। हाँ तू भी आ गई है, अरे अनन्या भी आ गई, अनन्या लेकिन माइक नहीं ले रही आज। अनन्या बढ़िया है, शांत बैठ अनन्या। ओके अभी ना नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब आता है एक्सटर्नल फॉर्म, बाहर से क्या क्या स्ट्रक्चर्स और कैसे कैसे होते हैं। जैसे वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, उसके सारे मॉडिफिकेशंस हमने पढ़े। वो मॉडिफिकेशंस आर बेसिकली बिकॉज ऑफ अ स्लाइट चेंज इन द फंक्शन। जैसे रूट का एक टिपिकल फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन कुछ प्लांट्स में रूट्स आर नोन टू स्टोर द फूड ऑल्सो, तो वो बन गया उनके लिए मॉडिफिकेशन, करेक्ट। तो ऐसे सारे मॉडिफिकेशन हमने देखे, स्टेम के भी देखे, रूट के भी देखे, लीव्स के भी देखे। उसके बाद देन वी डिस्कस्ड एंड स्टडीड द फ्लावर, द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट्स पढ़ा, फिर सीड पढ़ा, फिर फ्लोरल डायग्राम्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने फैमिलीज पढ़े, एंड देन वी कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो हम लोगों ने पूरा एक्सटर्नल फॉर्म प्लांट्स का पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी पढ़ना है प्लांट के अंदर जाकर, वी विल हैव टू एंटर इनसाइड द प्लांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली लाइज इनसाइड द प्लांट। वी कॉल दैट एज एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, एज कंपेयर टू मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी इज गोइंग टू बी स्लाइटली इजियर, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को पता है उसी में एडिशन होगा, राइट। नाउ व्हेन आई से वी आर गोइंग टू लुक इनसाइड द प्लांट्स, सो वॉट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू ऑब्जर्व। अगर आप ही बोलो मुझे कि प्लांट के अंदर हम लोग गए तो क्या दिखेगा आपको, वॉट आर दोज थिंग्स विच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व देयर। यस सोहम, हाथ ऊपर किया सोहम तूने, नहीं माइक नहीं, टिश्यूज, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द टिश्यूज, गुड। और क्या मिलेगा, आर वी गोइंग टू स्टडी द सेल्स हियर? Obviously no, because cells you people have already studied, ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। टिश्यूज हम लोगों ने पढ़े हैं, बट टिश्यूज में वी हैव स्टडीड ओनली द एनिमल टिश्यूज बट नॉट द प्लांट टिश्यूज। तो नेचुरली यहाँ पे फिर टिश्यूज आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनल स्ट्रक्चर में, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में, नो नो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अमूल्य यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन ना। हम लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर्स देखने हैं, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी एनी प्रोसेस, प्रोसेस नहीं पढ़ना है अपने को, पढ़ना है स्ट्रक्चर। प्रज्ञा न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ द सेल ना, तो वो थोड़ी रहेगा प्लांट के अंदर, वो तो प्लांट के सेल के अंदर रहेगा ना, सो दैट इज फाइन। वो तो हर एक सेल में होता है, सो वी विल नॉट स्टडी दैट, बट वी आर गोइंग टू स्टडी द टिश्यूज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ दिस टिश्यूज आर अरेन्ज, मतलब अरेन्जमेंट ऑफ द टिश्यूज इन द रूट्स, अरेन्जमेंट ऑफ द टिश्यूज इन द स्टेम एंड अरेन्जमेंट ऑफ द टिश्यू इन द लीव्स। तो ये तीन स्ट्रक्चर में टिश्यूज का अरेन्जमेंट कैसे होता है वो देखना है। नाउ व्हेन आई से टिश्यू, मतलब इसमें सब आएगा, उसमें मेरिस्टमैटिक टिश्यू आएगा, परमानेंट टिश्यू आएगा, जिसमें आपका आएगा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, और फिर उसके मॉडिफिकेशन आएंगे, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आएगा जाइलम और फ्लोएम। तो ये सारे टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा है। नाउ रिमेम्बर तीन स्ट्रक्चर्स है, कौन सा, रूट, स्टेम एंड लीव, और ये तीनों स्ट्रक्चर्स मोनोकॉट और डायकॉट में दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, करेक्ट। सो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम इन मोनोकॉट एंड डायकॉट, स्ट्रक्चर ऑफ द रूट इन मोनोकॉट एंड डायकॉट, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ इन मोनोकॉट एंड डायकॉट। वैसा हम लोगों को ये पूरा पढ़ना, मतलब ये चैप्टर में दो सेक्शंस रहेंगे। एक रहेगा आपका टिश्यूज जो पूरा इनिशियल पार्ट है, तो वो आप लोगों को बहुत सारा आता है इसमें से, जो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एडिशनल है वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, द वन विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टिश्यूज बेटर। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है द वन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डायकॉट रूट, मोनोकॉट लीफ, डायकॉट लीफ, एंड देन दिस चैप्टर विल बी डन।
तो सिंपल चैप्टर है, दो स्टेजेस में, दो फेजेस में, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई से एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, अभी ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कोई ऐसा चद्दर का डिजाइन नहीं है, तो एक्चुअली स्टेम इस तरीके से दिखते हैं, मतलब दीज आर ऑल द अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यूज। ऑफकोर्स ये फोटोग्राफ्स जो लिए गए उसमें से कुछ थोड़ा सा मॉर्फ्ड है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन समहाउ समवेयर दीज स्ट्रक्चर्स विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर, सो द इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज नोन एज द एनाटॉमी, ठीक है। अंदर से जो स्ट्रक्चर्स अपने को दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज द एनाटॉमी। तो हम लोगों को पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। एंड एनाटॉमिकली अ प्लांट ऑर्गन इज बेसिकली मेडअप ऑफ द टिश्यूज, ठीक है। सो इट इज बेसिकली मेडअप ऑफ द टिश्यूज, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टिश्यूज प्राइमरली, क्योंकि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स तो प्लांट के अंदर होता नहीं है, दैट वी ऑल नो। सो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स व्हिच इज ऑफकोर्स नॉट देयर, इट इज बेटर दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ टिश्यूज डज द प्लांट पजेस, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। सो व्हाट एग्जैक्टली द टिश्यू इज, दिस यू ऑल नो, ये डेफिनेशन आपको पता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड cooperating with one another to perform similar or set of similar functions. So group of cells having similarity in their structure and function, or rather structure and origin, and performing the similar type of a function. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call this as the tissues. ठीक है, तो प्लांट का टिश्यूज अलग रहेगा, एनिमल का टिश्यूज अलग रहेगा। नाउ प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है। सो बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब कौन से सेल्स डिवाइड होते हैं और कौन से सेल्स डिवाइड होते नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी वी हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, वन इज नोन एज मेरिस्टमेटिक टिश्यू, where the similar cells that are capable of dividing, जिनमें cell division possible होता है। So naturally, if the cell division is possible, so these cells are indirectly helping us in the process of growth and development. मतलब ये tissues आपको continuously मिलेगा in the stem as well as in the roots and of course in the leaves as well. ठीक है? Whereas we have the second type of tissue that's called as the permanent tissue. अभी permanent tissue का खासियत क्या है? This is a type of tissue which does not, where the cells will not divide. So they lose the capacity to divide. And because they have lost this capacity to division, so they attain a permanent shape, a size and a function. मतलब वो अपना function fix कर लेते. Correct? तो मतलब meristematic tissues पहले develop होता है. And then the meristematic cells are only going to develop into the permanent tissue. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call that as cell differentiation. सेल डिफरेंशिएशन का मतलब आता है व्हेन द सेल्स स्टार्ट्स टेकिंग अप देयर परमानेंट साइज एंड शेप एंड फंक्शन, जब वो परमानेंट बन जाते तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यू में ऐसा हो सकता है कि सम ऑफ द सेल्स आर लिविंग, सम ऑफ द सेल्स आर डेड, मेरिस्टेमेटिक में ऑल्सो इट इज पॉसिबल, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। फाइन, तो ये हो गया हमारा एक टिपिकल क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी टू डिवाइड। Right now, the next important part. Now, if we talk about the meristematic tissue, जो पहला वाला है, that is meristems. Now, meristematic tissue or the meristem, अभी meristos का meaning आता है divisible. इसके लिए उसको नाम दिया है meristematic tissue. मतलब these are the cells which has the capacity to divide. Last slide. एक मिनट हाँ, ये लो. हो गया जानवी, ओके। नाउ मेरिस्टेम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नाउ दीज आर द सेल्स विच हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड दे विल डिवाइड कंटिन्यूअसली इनडेफिनेटली, नॉन स्टॉप इनका डिवीजन चालू रहेगा, ये कभी भी रुकता नहीं है। As the cells they start becoming old, they will get converted into the permanent tissues.
मतलब पार्ट ऑफ द मेरिस्टमैटिक सेल्स विल कन्वर्ट इनटू द परमानेंट टिश्यूज, सो दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द न्यूली डिवाइडिंग सेल्स, करेक्ट? सो द सेल्स आर गोइंग टू बी ऑलवेज थिन वॉल्ड विद नो इंटर सेल्युलर स्पेसेस, दो सेल्स के बीच में स्पेस होता नहीं है. अच्छा, व्हाई दे आर थिन वॉल्ड? क्योंकि उनको डिवाइड करना है ना, उनको कोई स्टोरेज व्यूरेज की कोई जरूरत नहीं है. दे डोंट हैव टू स्टोर वाटर और फूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स, देयरफॉर दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी थिन वॉल्ड. ओके, एंड द सेल्स आर गोइंग टू बी आइसोडायमेट्रिक सेल्स. आइसोडायमेट्रिक सेल्स का मतलब क्या होता है? किसी भी साइड से उनका रेडियस सेम रहेगा. यू चेक द रेडियस फ्रॉम एनी साइड एंड यू विल फाइंड दैट इट इज द सेम. सो इसको बोलते हैं आइसो रेडियस, नहीं सॉरी डायमीटर. So they are called as the isodiametric cells. Iso meaning similar, diametric का मतलब diameter. So the diameter of these cells will remain the same. आपने कही थी, मतलब they are proper regularly shaped structures. क्या हो गया प्रिया? प्रिया को क्या हो गया? प्रिया नो सर बोल रही है. अच्छा, नहीं नहीं ये ड्रॉ मत करो, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख के रखो. इंपॉर्टेंट इज टू नो दैट द सेल्स आर गोइंग टू बी थिन वॉल्ड विदाउट एनी इंटर सेल्युलर स्पेस. जैसे हम लोग एपिथेलियम पढ़े थे ना. अच्छा, एपिथेलियम हम लोगों ने पढ़ा था, एपिथेलियल सेल्स, एनिमल सेल्स में, जिसमें देर इज नो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, सो इट अपीयर्स लाइक अ कंटिन्यूअस शीथ. तो वैसा ये मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है? राइट ना, when we understand the transverse section or even longitudinal sections of these structures or these particular tissues, how do they look like? Acha, abhi if we observe a single cell, ek cell ko agar hum log observe karte hai, to what are the properties or characters of this single meristematic cell? Iske kya characteristics hote hai? Last slide. Wah, Tanishq active ho gaya aaj achanak. हो गया सोनाली एंड तनिष्क? यस सर. डन सर. ओके, नाउ दिस इज अ सिंगल सेल. क्या हो गया प्रिया को? नहीं, कोई नहीं है. अरे कौन हाथ ऊपर कर रहा है? प्रिया, what are the characteristics of this particular cell? So, सबसे पहला तो they will have a thin elastic cell wall which is made up of cellulose. मैंने already reason दे दिया आपको कि why it is thin. It is basically thin because it has to divide. इसको divide होना है ना, cell division is an important property of these cells. इसके लिए इनका cell wall हमेशा thin होता है. And because they are constantly divide, so turgidity maintain naturally नहीं होगा. Because the cells are constantly dividing. Okay? They will have a centrally placed large nucleus, which is placed almost in the center. They will have a dense cytoplasm. Cytoplasm एकदम thick और dense रहेगा. There is no vacuole being present. इसके अंदर vacuole होता नहीं है. As I said, why vacuole will not be present? Because the cells are constantly dividing. Presence of mitochondria. Why mitochondria will be present? Because mitochondria provides us energy in the form of ATP, which is essential for cell division. That is why there is presence of mitochondria. Okay? So more mitochondria, higher will be the rate of respiration due to high metabolism. And jitna zyada respiration hoga, utna energy production zyada hoga. And higher the energy production, greater are the chances of cell division. ठीक है, तो ये typical important properties है पूरे cells के. Very important to know, ye wala, there is no vacuole, the cell wall is going to be thin and the cytoplasm is dense. Kyunki normally hum log plant cell ki baat karte hai na, to uske andar aapko vacuole milta hi hai. Barabar hai? Large vacuole and nucleus is basically shifted to the periphery. Lekin meristematic cells mein aisa hota nahi hai. Samajh raha hai sabko? Hello. Yes, sir. Yes, Pragya. Sir, this point is about meristematic tissue. Cell. Yes, properties sir. Of a meristematic cell. Okay, sir.
आगे बढ़े. चल शेल्वी ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन क्या आता है. तो सबसे पहला, दिस इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. हाँ, तो इसमें तीन सब टाइप्स आएंगे. कौन कौन से? अच्छा, दिस वन इज द बेस्ड ऑन पोजिशन इन द प्लांट बॉडी. ये आपको पता है, पोजिशन के हिसाब से कौन सा क्लासिफिकेशन आता है? कैन एनीवन टेल मी ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन? अपाइकल, वेरी गुड. अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. वेरी गुड, फैंटास्टिक. एंड द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द फंक्शन. ओके, नाउ बेस्ड ऑन द ओरिजिन इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स. कौन कौन से? सबसे पहला आता है, दैट्स कॉल्ड एज द प्रो मेरिस्टेम. सेकेंड वन इज नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम. फर्स्ट डिग्री ने बोलने का इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलना है. एंड द सेकंड वन, थर्ड वन इज नोन एज द सेकेंडरी मेरिस्टेम. दिस इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. पोजीशन के हिसाब से तीन टाइप आएंगे जो आपने ऑलरेडी बोल दिया है. फर्स्ट वन इज द अपाइकल, सेकंड वन इज इंटरकैलरी, थर्ड वन इज लैटरल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वन इज प्रोटोडर्म, सेकंड वन इज प्रोकैम्बियम, एंड द थर्ड वन इज ग्राउंड मेरिस्टेम. ओके, तो मतलब ये दोनों जो रहता है ना, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड बेस्ड ऑन फंक्शन, दे आर बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर समवेयर, सो दैट वी विल स्टडी नाउ. क्योंकि अभी ये एक 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 चीज हमको पढ़नी है. ठीक है, राइट डाउन दिस क्लासिफिकेशन फर्स्ट. सर डन हो गया सबका? नो सर. अथर्व, आई विल बी टेकिंग 6 hours लेक्चर्स टुडे. और अथर्व बोल रहा कि सर जल्दी छोड़ो. मेरे रात को 9 PM तक लेक्चर है आज. तू बैठेगा क्या अथर्व मेरे साथ? मिस्टर अथर्व यादव, अमन तू तो पागल है, तू तो कहीं पे भी बैठेगा. अमन बोल रहा है मैं बैठूंगा. मैं मेडिकल कॉलेज का लेक्चर लेने वाला हूँ, तुम्हारा थोड़ी होगा वो मेडिकल के स्टूडेंट्स का. चलो आगे बढ़ते हैं. बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, दैट इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. क्या कौन कौन से टाइप आते हैं? तो सबसे पहला आता है, दैट्स कॉल्ड एज द प्रो मेरिस्टेम. प्रो का मतलब क्या आता है? प्रिमिटिव, प्राइमरी, जो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सीड इनटू अ सीडलिंग, मतलब रेडिकल और प्लिम्यूल से जब रूट्स और शूट बनना चालू होते हैं, तो दैट टाइम द मेरिस्टेम डेवलप्स, दैट्स कॉल्ड एज द प्रो मेरिस्टेम. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम. सी आई वॉज टेलिंग यू दिस, कि रेडिकल और प्लिम्यूल से ये बनता है, बराबर है? क्योंकि रेडिकल एंड प्लिम्यूल इज डेवलपिंग, राइट? व्हेन आई से रेडिकल एंड प्लिम्यूल इज ग्रोइंग, मतलब देयर इज सेल डिवीजन टेकिंग प्लेस, मीनिंग देयर इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज द प्रो मेरिस्टेम. ओके, सो इट इज लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो और यंग सीडलिंग, व्हेन द सीड इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ सीडलिंग, करेक्ट? तो उस टाइम पे
ये वाला स्ट्रक्चर बनता है. सो द सेल्स विच आर फॉर्म्ड देयर एट दैट टाइम इज नोन एज द प्रोमेरिस्टेम. सो वी हैव अ सीडलिंग हियर एंड एज यू कैन सी हियर द स्टेम इज ग्रोइंग एंड द रूट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग. सो दैट्स कॉल्ड एज द रेडिकल एंड प्लिम्यूल. सो रेडिकल एंड प्लिम्यूल विल बेसिकली विल हैव दिस पर्टिकुलर मेरिस्टेम. सो बाय रिपीटेड सेल डिविजन प्रोमेरिस्टेम विल इवेंचुअली विल गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम. मतलब एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है, एम्ब्रियो में रेडिकल रहता है और प्लिम्यूल होता है. सो प्लिम्यूल स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ शूट, रेडिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ रूट. सो हाउ दे आर डेवलपिंग बाय सेल डिवीजन. तो वो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लिम्यूल एंड रेडिकल इज द प्रोमेरिस्टेम. देन दिस प्रोमेरिस्टेम विल गिव राइज टू अ प्राइमरी मेरिस्टेम. ठीक है. एंड देन सो प्रोमेरिस्टेम विल गिव राइज टू अ प्राइमरी मेरिस्टेम which retains the capacity to divide throughout life. कौन सा last slide चाहिए? Last slide. The promeristem के first slide. ये हो गया ना? हाँ. Finished? No, sir. Oh, yeah. Okay, so here we have a seedling and then the seedling will develop into the proper shoot and root system. So promeristem will give rise to what? Promeristem now here will give rise to the primary. Matlab embryo ke andar jo tissue rahega, that is promeristem. Okay, then it will give rise to a primary meristem. Now, what is primary meristem? So basically it is the type of cell, it is the group of cells which will continue to divide. Matlab they will keep that capacity to divide. तो वो divide होते रहेगा. And throughout life. Right? अभी कौन सा slide चाहिए अमन तुझे? ऊपर बोल रहा है answer. ये क्या है? ये थोड़ी लिखने का है. वही तो है. ठीक है. So primary meristem will retain the capacity to divide. So the cells are always in an active state of cell division. हमेशा divide होते रहेंगे. And because they are constantly dividing, therefore they do not have vacuole also. And eventually they will give rise to primary permanent tissue. ठीक है? Primary permanent tissue इसमें से बनना चालू हो जाएगा from the primary meristem. क्योंकि as I said, no, meristematic cells will only give rise to the permanent tissue. ठीक है? ये last cloud. और अमन को क्या चाहिए? ये हो गया अमन. यस सर. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. सो प्रोमेरिस्टेम इज गिविंग राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम एंड दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच विल कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ. मतलब ये हमेशा प्लांट के स्ट्रक्चर्स में रहेगा, स्टेम में, रूट में, हर जगह रहेगा. एंड देन इट विल गिव राइज टू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. मतलब सेल डिवाइड होगा, जैसे ही पहला वाला सेल पुराना हो जाएगा, दैट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, नया डिवाइड होते रहेगा. सो कॉन्स्टेंटली द सेल्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड. ठीक है. सो दिस ऑल प्राइमरी मेरिस्टेम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम बाद में आएगा कैम्बियम में. ठीक है. सो बेसिकली दे विल गिव राइज टू दीज टू, अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ठीक है. सो दिस इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और ऑल्सो कॉल्ड एज अ लैटरल मेरिस्टेम. ठीक है.
तो मतलब हम लोग जो पोजीशन के हिसाब से जो देख रहे थे ना क्लासिफिकेशन, जिसमें अपाइकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम, करेक्ट? तो दैट इज नथिंग बट द प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके? तो उसमें से अपाइकल और इंटरकैलरी, ये जो दो है, इंटरकैलरी मतलब द टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नोड्स, करेक्ट? अपाइकल द वन विच इज प्रेजेंट एट द एपेक्स, तो ये क्या करेगा, दे विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, तो वो लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ बढ़ाएंगे, मतलब प्लांट का हाइट बढ़ाएंगे. लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम, सो दैट्स नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो ये क्या करेगा, दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, ओके? सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियल ग्रोथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं गर्थ, मतलब प्लांट का थिकनेस बढ़ाएगा, स्टेम का थिकनेस बढ़ाएगा. तो जो हाइट बढ़ा रहा है उसको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी ग्रोथ. और यहां पे ये जो गर्थ बढ़ा रहा है तो इसके लिए इसको हमने नाम दिया है सेकेंडरी ग्रोथ. सो प्राइमरी ग्रोथ इज वेर द प्लांट हाइट इज इंक्रीजिंग, सेकेंडरी ग्रोथ इज वेर द प्लांट थिकनेस इज इंक्रीजिंग, क्लियर? तो ऐसा होता है हमारा ये प्राइमरी मेरिस्टेम. तनिष्क तुझे कौन सा स्लाइड चाहिए रे बाबा? चालो वेरी गुड. हॉरिजॉन्टली यानी आपने देखा होगा ना अमन, जब प्लांट छोटा होता है तो उसका स्टेम एकदम छोटा रहता है, थिन रहता है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होते जाते हैं वैसे उसका थिकनेस बढ़ते जाता है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम, ओके सर? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को जो दूसरा नाम आपने बताया लैटरल मेरिस्टेम, सो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि लैटरल मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द प्लांट, यस सर, सो दैट इज दिस. हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड प्राइमरी मेरिस्टेम विल नाउ फर्दर कंटिन्यू विद द सेकेंडरी मेरिस्टेम. सो इट डेवलप्स इन प्लांट बॉडी ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब ग्रोथ हो रहा है, होते जा रहा है, और लेटर स्टेजेस में फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होगा, एंड दे विल अराइज इन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. तो सबसे पहला आएगा आपका प्रोकैम्बियम, प्रोमेरिस्टेम रादर, नॉट कैम्बियम, प्रोमेरिस्टेम. प्रोमेरिस्टेम से बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम में ऐसे सेल्स बनेंगे विच विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, मतलब प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेम, एंड देन इट डेवलप्स इनटू द सेकेंडरी मेरिस्टेम विच इज नथिंग बट द वन विच अराइजेस फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, लाइक पेरेन्काइमा बाय डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या, पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ना वो फिर से डिवाइड होना चालू हो जाएंगे और फिर से डिवीजन बंद हो जाएगा, बिकॉज दे आर डिवाइडिंग अगेन, देयरफॉर कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन, रादर दे स्टॉप डिवाइडिंग अगेन, सो डी डिफरेंशिएशन. री डिफरेंशिएशन इज दे स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन. सर शो द लास्ट क्लाउड प्लीज, ये वाला, यस सर. डन, यस सर. ये हो गया लिख के, yes. आगे बढ़े, लिखो लिखो, yes, sir. रुका हुआ. Finished? Yes, sir. So now secondary meristem will include, जैसे ये TS of dicot stem है ना, तो उसमें रहेगा interfascicular cambium, ठीक है, in dicot stem, right? तो यहाँ पे रहेगा आपका ये secondary meristem.
मतलब जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना, जो क्या बना रहा है, हाउ इट इज हेल्पिंग इन द प्लांट्स, इट इज हेल्पिंग इन द प्लांट्स टू इंक्रीज देयर गर्थ, थिकनेस बढ़ाने में काम में आ रहा है ना, सो फाउंड इन द डाइकॉट्स, करेक्ट। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया आपके लिए। डन डन सर। ओके ठीक है, सो सी कैसे दिख रहा है अभी, टीएस ऑफ डाइकॉट रूट है हाँ, ये रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन हमने लिया है। सो यू कैन सी वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम मतलब क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके सो दिस इज इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, दिस इज टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, करेक्ट। जिसमें इफ यू सी हियर कॉर्क कैम्बियम, कैन यू सी हियर कॉर्क कैम्बियम हियर व्हिच इज इन बोथ रूट एंड स्टेम, सो अनदर इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। सो दे आर ऑल लैटरल इन पोजिशन, मतलब ये सब बाहर की तरफ ही होते हैं, राइट, एंड बिकॉज दे आर लैटरल इन पोजिशन देयरफॉर दे विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस गर्थ ऑफ द प्लांट एंड गिव राइज टू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सो दैट रिजल्ट्स इन रेडियल ग्रोथ, करेक्ट। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू इससे आना चालू हो जाएगा एंड रेडियल ग्रोथ विल टेक प्लेस, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बाद में आपको समझाने वाला हूँ, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, कैसे होता है, सो दैट वी विल डिस्कस। कौन सा चाहिए स्लाइड तुझे मधुरानी? ये डन ओके हो गया सबका, वन मिनट या डन सर। ठीक है, सो दीज आर द थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द ओरिजिन। ओके उसके बाद आता है मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन द पोजिशन, तो ये तीन आप लोगों को पता है। सबसे पहला आता है अपाइकल मेरिस्टेम, द वन विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। सेकंड वन इज नोन एज इंटर कैलरी मेरिस्टेम, फाउंड बिटवीन द नोड्स और एट द लेवल ऑफ नोड्स। एंड द थर्ड वन इज नोन एज द लैटरल मेरिस्टेम विच इज फाउंड ऑन द साइड्स, द वन विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का थिकनेस बढ़ाने में काम में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। ओके चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है अपाइकल मेरिस्टेम, एज आई टोल्ड यू इट इज फाउंड इन द एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट। सो टिप ऑफ द स्टेम एंड टिप ऑफ द रूट विल हैव द स्ट्रक्चर नोन एज द अपाइकल मेरिस्टेम। ओके सो यू कैन सी हियर दिस इज LS, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड दिस वन इज द रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये बाहर जो दिख रहा है ना ये वाला स्ट्रक्चर, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज द रूट कैप। ओके सो नाउ नेचुरली ये अपाइकल मेरिस्टेम है, मतलब टिप पे, तो ये क्या करेगा, सो इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट, सो प्लांट का हाइट बढ़ाने में काम में आएगा अपाइकल मेरिस्टेम। ओके सो लीनियर ग्रोथ उसको बोलते हैं, सो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट्स, सो दैट इज द वर्क डन बाय अपाइकल मेरिस्टेम। डन डन सर।
ओके नाउ नो हेनस्टेन ये जो साइंटिस्ट है इन 1870 ही क्लासिफाइड मेरिस्टेम्स इनटू थ्री डिस्टिंक्ट हिस्टोलॉजिकल जोन्स. हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू जोन्स. सो वी कॉल देम एज हिस्टोजेन्स. नो व्हाट आर दिस थ्री हिस्टोलॉजिकल जोन्स? तो सबसे पहला जो होता है ना दैट्स कॉल्ड एज डर्मेटोजेन. अभी आप एरो देखोगे ना तो इट इज ऑन दी आउटसाइड, बाहर का लेयर है. डर्मा मतलब स्किन ना, सो लाइक अ स्किन, सो दैट्स कॉल्ड एज डर्मेटोजेन. बीच में जो दिख रहा है एकदम अंदर की तरफ फिर से व्हाइट कलर का लाइनिंग है, सो दैट्स कॉल्ड एज द प्लीरोम. और उसके आजू बाजू में मतलब डर्मेटोजेन और प्लीरोम के बीच में और प्लीरोम के अंदर वी हैव अवर लेयर ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एज द पेरिब्लेम. करेक्ट. तो ऐसे ये हेनस्टीन ने 1870 में ये क्लासिफिकेशन किया. दिस इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हिस्टोलॉजिकल जोन्स, राइट? तो डर्मेटोजेन, प्लेरोम एंड पेरिब्लेम, ऐसे तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने. ठीक है ना? थोड़ा अभी ये तीन टर्म्स को थोड़ा सा याद रखो, आगे इसका रेफरेंस आएगा. ओके नाउ मेरिस्टेम्स विच आर बेस्ड. यस व्हाट हैपेंड सर? लास्ट स्लाइड. हाँ ये वाला. Done. So do we have to draw this? If you draw this, it will be better, I guess. थोड़ा ध्यान में आएगा कि exactly क्या होता है ये tissue. Draw करो इसको थोड़ा सा. Line diagrams. Make it very simple. I'm coming, just a minute. Finished? Yes, sir. चल ठीक है. सो ये हो गया हमारे हिस्टोलॉजिकल जोन्स और हिस्टोजेन्स. ठीक है, इसको याद रखो, इसका रेफरेंस अभी आगे आएगा थोड़ी देर में. नाउ मेरिस्टेम्स विच आर बेस्ड ऑन द फंक्शन. ठीक है, नाउ वी हैव अनदर साइंटिस्ट हुज नेम इज हैबिल्डेंट. नाउ दिस साइंटिस्ट इन 1914, दिस इज हैबरलैंड. ओके, तो थोड़ा सा वो प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन है.
Now he classified meristems on the basis of their functions into three main types. कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो आता है ना, that is called as अच्छा ये जो पहला वाला था वो dermatogen बोला था. किसने किसने बोला था? Hansteen. और उसी dermatogen को this scientist has given the name as protoderm. Okay, derma मतलब skin. सेकेंड लेयर जो था दैट इज प्लीरोम. प्लीरोम हियर वॉज टर्म्ड एज प्रोकैम्बियम. एंड द थर्ड लेयर विच वी हैड वॉज कॉल्ड एज पेरिब्लेम. सो पेरिब्लेम हियर वॉज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्लासिफाइड एज ग्राउंड मेरिस्टेम. समझ में आ रहा है आपको? दो साइंटिस्ट ने कैसे किया, हिस्टोजेंस ही है और उन्हीं हिस्टोजेंस को फिर फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया गया. हेबरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इसको फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया. हेंस्टेन ने हिस्टोजेन के हिसाब से क्लासिफाई किया. हेबरलैंड ने उसको फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. Shall we move ahead? Yes, Pragya. Bolo. Acha, Pragya ko mic chahiye. Aage bade? No, sir. Haan. So, Henstein ka periblem ban gaya protoderm. सॉरी, हेंस्टेन का डर्मेटोजेन बन गया प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम बन गया प्रोकैम्बियम और आखिरी वाला कौन सा है? पेरिब्लेम ग्राउंड मेरिस्टेम. पेरिब्लेम नहीं, पेरिब्लेम टू ग्राउंड मेरिस्टेम ना. प्लीरोम, प्लीरोम विल बी प्रोकैम्बियम. ठीक है, यस यस पीयूष. यानी ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन अभी चल रहा है, नॉट ओनली एपाइकल बट टिश्यू इंफॉर्मेशन है ये पूरा. ओके चलो, तो ये बन गया हमारे टिपिकल स्ट्रक्चर्स. नाउ इफ वी टेक द एलएस ऑफ द वेजिटेटिव शूट, मतलब स्टेम का अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं तो प्रोटोडर्म विल गिव राइज टू एपिडर्मिस मीनिंग एपिडर्मल टिश्यू. इसके लिए उसको प्रोटो मतलब प्रिलिमिनरी प्राइमरी, डर्मा मतलब स्किन. तो स्किन जो होता है आउटर लेयर जो प्लांट्स का होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस. सो इसको नाम दिया प्रोटोडर्म. इज नाउ विल गिव राइज टू व्हाट? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ठीक है, उसके बाद देन वी हैव प्रोकैम्बियम. प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा? प्रोकैम्बियम बनाएगा हमारा प्लांट्स का प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम और फ्लोएम का पार्ट. सो दैट्स कॉल्ड एज प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स बनना चालू हो जाएंगे. फ्लो समझ में आ रहा है ना आपको कि कैसे हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं? यस, ये पूरा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज. पेरिडर्म, प्लीरोम, देन ये सब वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे. सर, द प्रोटोडर्म इज गिविंग राइज टू 1 डिग्री वैस्कुलर टिश्यू नो? नहीं, प्रोटोडर्म ने क्या बनाया? एपिडर्मिस, ये वाला. ठीक है, प्रोटोडर्म के बाद कौन आता है? प्रोकैम्बियम ना, ये अंदर का लेयर है प्रोकैम्बियम. प्रोकैम्बियम हैज गिवन राइज टू प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू. ओके, वेयर एज द ग्राउंड मेरिस्टेम जो बचा हुआ है ना, अगर आप देखोगे तो यहां पे एपिडर्मल टिश्यू है, ये अंदर का जो है ये आपका आ गया वैस्कुलर टिश्यू. ठीक है, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू. तो दो बीच में जो बचा हुआ है दैट्स कॉल्ड एज द ग्राउंड मेरिस्टेम. एंड दिस ग्राउंड मेरिस्टेम विल इवेंचुअली, सो इट लाइज इनर टू द प्रोटोडर्म एंड सराउंड्स द प्रोकैम्बियम. बराबर है?
प्रोटोडर्म के अंदर और सराउंड्स द प्रोकैम्बियम एंड दिस टिश्यू विल गिव राइज टू द अदर पार्ट्स. मतलब ग्राउंड सिस्टम से क्या बनेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, पिथ एक्सेट्रा. तो सारे बाकी के जितने भी टिश्यूज है वो सब क्या बनाएंगे, ग्राउंड मेरिस्टेम या फिर ग्राउंड टिश्यू. तो मतलब प्लांट टिश्यूज में जब हम लोग कोई भी टीएस या फिर एलएस देखेंगे तो तीन मेजर डिविजन्स रहेगा. सबसे पहला आएगा एपिडर्मिस, दूसरा आएगा कैम्बियम दैट इज प्रोकैम्बियम, और तीसरा आता है ग्राउंड मेरिस्टेम. ठीक है, और ग्राउंड मेरिस्टेम में इतने सारे टिश्यूज रहेंगे. कौन सा लास्ट स्लाइड अथर्व, ये वाला? हो गया अथर्व? आगे बढ़े, शैल वी नाउ? लिखो लिखो, ये है लास्ट स्लाइड, लोहिता. यही ना, किसके पहले वाला? यही सर. डन. ओके, नाउ सम मेरिस्टेम्स अकर आल्सो इन द रूट टिप. ठीक है, रूट टिप पे भी मिलेगा आपको. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोडर्म विल बी प्रेजेंट. अच्छा, ये नीचे का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको पूरा, दैट इज द रूट कैप. हाँ, रूट कैप इज नॉट रिलेटेड टू मेरिस्टेम, क्योंकि रूट कैप का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग टिप. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू हैव द प्रोकैम्बियम, और उसके बाद आएगा ग्राउंड मेरिस्टेम जो यहाँ पे है. प्रोकैम्बियम इज बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम. बाहर का जो लाइनिंग है जो स्किन की तरह काम कर रहा है, दैट इज प्रोटोडर्म, और ग्राउंड मेरिस्टेम बचा हुआ. ठीक है, so this particular structure is known as the root cap, or exactly in the center. Now this is basically root cap also called as the calyptrogen. Okay, the other name for the root cap is calyptrogen. Or beech mein ek particular tissue aata hai, the one which is shown with a red marking. Okay, ye jo center wala tissue hai na, can you see this tissue? Ye dikh raha aapko, ye wala tissue pura aisa. ठीक है, सो दिस टिश्यू इज नोन एज द क्विसेंट सेंटर. अभी क्विसेंट का मतलब ये आता है, दिस इज अ एरिया और दिस इज अ पार्ट ऑफ द रूट वेयर द सेल्स विल हैव लीस्ट माइटोटिक एक्टिविटी. ओके, क्विसेंट सेंटर मतलब द सेल्स हैविंग वेरी लो माइटोटिक एक्टिविटी. माइटोसिस यहां पे कम होता है, मतलब ये सेल्स में एक्टिविटी कम है, इसके लिए उसको बोला गया है क्विसेंट सेंटर. ये डायग्राम निकालना पड़ेगा आपको, तब जाके समझेगा, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन. डन. हाँ, लाइक अ क्वीसेंट स्टेज पीयूष, करेक्ट. सो सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग, इसके लिए उसको क्वीसेंट सेंटर बोला गया है, या फिर डिविजन एकदम लीस्ट होता है. Thank you.
डन आई नो अथर्व लेकिन चॉइस नहीं अपने पास कुछ ठीक है ना देयरफॉर एट द रूट टिप मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल एग्जैक्ट एकदम टर्मिनल यानी यहाँ पे है ना मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है वो वाला लाइट ग्रीन कलर है मतलब वो रूट कैप रीजन है सो इट इज बेसिकली नोन एज द सब टर्मिनल मतलब नॉट एग्जैक्टली एट द टिप बट लिटिल behind the tip subterminal okay now so what is the importance of kya hua jo quiescent stage hai usko hi subterminal bolte hain quiescent stage nahi quiescent center hai तो क्वेश्चन सेंटर इधर है उसके बाद रूट टिप है तो ये जो अभी मैंने मार्क किया हुआ है दिस इज बेसिकली मेरिस्टमेटिक टिश्यू ना मतलब वो इधर टिप पे नहीं है थोड़ा सा टिप के पीछे है इसका मतलब इसके लिए उसको सब टर्मिनल बोला गया है यस सर हाँ ओके नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द मेरिस्टेम तो ये अपने को पता ही है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ by addition of new cells in various regions of the plants then it will also give rise to new organs leaves branches and flowers so ye sab banega then intercalary meristem helps in elongation of internodes and petioles matlab length badhega and plus vascular cambium adds new vascular tissue that is secondary growth so it helps in increasing the girth so that the core and then the core cambium which is formed here will help in protection so ye typical सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द मेरिस्टेम ठीक है पूरा मेरिस्टेम है इसमें अपाइकल ये सब कुछ नहीं आता है एवरीथिंग दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ्स सब कुछ आएगा इसमें डन हो गया टिश्यूज अच्छे से समझ लो उसके बाद आपको टीएस अपने आप समझ में आ जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ना द नेक्स्ट वन इज द इंटर कैलरी मेरिस्टेम इंटर कैलरी हम लोगों को पता ही है so now they are portions of apical meristem only which got separated from them due to formation of the permanent tissues yani kya ho raha hai
टिप पे ही है, अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा. या इफ यू सी हियर समवेयर इन द पास्ट द अपाइकल मेरिस्टेम वॉज प्रेजेंट समवेयर हियर, बराबर, इन दिस पर्टिकुलर प्लांट. तो वो यहां पे था, फिर यहां पे ग्रोथ होते गया, तो इधर कौन सा टिश्यू बन गया, इधर बन गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम. फिर सम टाइम बैक द अपाइकल मेरिस्टेम वॉज प्रेजेंट हियर लाइक दिस, करेक्ट. तो यहां पे फिर ये अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स क्या बन गए, परमानेंट. परमानेंट बन गए तो उन्होंने क्या बना दिया, इंटरकैलरी. फिर अपाइकल मेरिस्टेम इधर आ गया. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. सो इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड हियर, बराबर है. सो एज यू कैन सी हियर अपाइकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट हियर. नाउ उसके नीचे है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है. सो बीच में ये परमानेंट टिश्यू बन गया दोनों के बीच में. सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ने क्या किया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ने नोडल रीजन का लेंथ बढ़ाने का काम किया. सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम. तो ये धीरे 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 ग्रो होते गया, राइट. सो अपाइकल मेरिस्टेम इज ओनली गेटिंग रिप्लेस्ड बाय इंटरकैलरी मेरिस्टेम. देखो जैसे मैंने बताया कि अब ये सेंटेंस क्या बोलता है, देखो, दे आर पोर्शंस ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम विच गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू. पहले इधर अपाइकल मेरिस्टेम था, अमन ध्यान दे इधर, ठीक है. फिर ये ग्रोथ होते गया तो अपाइकल मेरिस्टेम इधर आ गया, बराबर. Yes. लेकिन ये दो अपाइकल मेरिस्टेम के बीच में कौन है, ये बीच में जो है दिस इज परमानेंट टिश्यू ना. सो बस ये उसके बीच में ही बन गया, तो पीछे वाला जो रहेगा वो इंटरकैलरी बन जाता है. सो एज यू कैन सी हियर, यस सर, द वन व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द अपाइकल विल बी कॉल्ड एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सर यस, तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगा क्या? परमानेंट टिश्यू नहीं होगा ना बेटा, वो तो ग्रो होते ही रहेगा ना. नहीं, बाद में, उसका सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. यस सर. आदित्य, आदित्य को क्या हो गया था, आदित्य बाहर चला गया था शायद. यस, दे दिया, ठीक है. अभी देखो वीट है या फिर ग्रास है, सो दिस वन इज द इंटरनोड ना, करेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम जस्ट नियर द नोड्स, ठीक है, जस्ट नियर द नोड. सो दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो इट एड्स टू द लेंथ ऑफ द प्लांट, तो प्लांट का लेंथ बढ़ाने में काम आता है. कौन सा फर्स्ट स्लाइड चाहिए रे बाबा अमन? इंटरकैलरी का फर्स्ट स्लाइड. यस सर, यही वाला है. ये है ना? यस सर. हो गया, हो गया अमन, ठीक है. सो दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सो इट्स गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, राइट. जैसे मिंट प्लांट है तो उसमें ये वाले इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है जस्ट नियर द नोड, करेक्ट. सो फाउंड एट द बेस ऑफ द नोड एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द लीफ एज वेल, करेक्ट. सो इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लीफ बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द नोड. सो दैट इज इन केस ऑफ मिंट. Done. चलो, the third one is the lateral meristem. Lateral meristem मतलब क्या? The one which is present on the periphery and the one which is responsible for increasing the girth of the plant. Thickness बढ़ाएगा plant का. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Lateral meristem. इसके लिए उसको side में इस तरीके से दिखाया गया है. ठीक है? So that's called as a lateral meristem. So they are arranged parallel to the longitudinal axis of the plant body.
सो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ना, ये वाला, ये ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, करेक्ट? तो उससे ये पैरेलली अरेंज रहते हैं, राइट? सो दे आर नोन टू इंक्रीज द डायमीटर और गर्थ ऑफ द स्टेम एंड ब्रांचेस. तो आपने देखा होगा कि जो पुराने प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम एकदम थिक रहता है, मोटा रहता है. सो इट इज बेसिकली दैट ग्रोथ इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम. ओके, बिकॉज इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट. सो एज यू कैन सी हियर, सो दैट्स कॉल्ड एज द वैस्क्युलर कैम्बियम. एंड यूजुअली लैटरल मेरिस्टेम डेवलप्स इनटू द वैस्क्युलर टिश्यूज एंड वैस्क्युलर टिश्यूज देन डेवलप्स इनटू द कैम्बियम. ठीक है, सो दिस इज हाउ द कॉर्क कैम्बियम विल डेवलप. तो वैस्क्युलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम. डन. हो गया क्या? यस यस सर. ओके, सो बस ये हो गया हमारा मेरिस्टमैटिक टिश्यू. तो तीनों मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, उनके टाइप्स, ये सब हम लोगों ने अभी पढ़ लिया. उसके बाद देन कम्स द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में भी एज आई सेड दैट ब्रेक चाहिए. डू यू वांट ब्रेक? हेलो. यस सर. ये कौन बोला? चलो ले लो, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं. कितना बजा अभी? क्या, व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 5:41. चलो 5:47 तक ब्रेक लेते हैं. 5:47, 5:50 तक ले लो. चलो टिल 5:50 लेट्स हैव अ ब्रेक. कोई जाएगा नहीं यार मीटिंग छोड़ के. Okay, so permanent tissue is what? It's a type of meristematic tissue only, but it has undergone differentiation, cell differentiation, where it has taken a permanent shape, size, and function. Okay, so the cells, once it acquires a permanent shape, size, and function, then we call that as a permanent tissue. So, usko hum log permanent tissue bolte hain. So the cells will lose this ability to divide permanently. Matlab they won't be in future will be able to divide. So they will remain as it is. Yeah. So they will lose the power of division. Okay, so that is the character which we have for this particular tissue. Now, there are two types. Now, what are the two types? Sabse pehla, the first one is known as the simple permanent tissue. And the second one is known as the complex permanent tissue. एक मिनट, मेरा बिल्ला चिल्ला रहा है unnecessary, पता नहीं क्या हो गया इसको. Okay, so we have two types of tissues. One is the simple permanent tissue and the other one is the complex permanent tissue. अभी simple और complex ये क्यों होता है? तो simple is basically a type of tissue which is made up of only one type of cell. The permanent tissue which is made up of only one type of cell is known as the simple tissue, and the tissue which is made up of more than one type of cell will be called as complex tissue. ठीक है, so that is the basic difference. So simple tissue में सबसे पहला आएगा parenchyma, उसके बाद आएगा colenchyma, और उसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, फिर इसके मॉडिफिकेशन से थोड़े से दैट वी विल स्टडी. एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में वी हैव जाइलम, और जाइलम के बाद आएगा फ्लोएम. करेक्ट, सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट? सिंपल इज द वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एंड कॉम्प्लेक्स इज द वन विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. तो उसको हमने नाम दिया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. Okay, now let us study first simple permanent tissue. As I said, this it is homogeneous in nature. Homogeneous matlab kya? The size and the shape of the cells is going to remain the same. So similar permanent cells carrying out similar set of functions.
तो सारे सेल्स एकदम सेम रहेंगे। और इसके तीन टाइप आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये सिर्फ होमोजीनियस इन नेचर एंड सिमिलर परमानेंट सेल्स ही लिख लो। देन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज पेरेन्काइमा। हो गया। ब्रेक लिया कि स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं, इसके लिए मैं ब्रेक नहीं लेता हूं। हो गया फिनिश्ड? यस सर। चलो गुड, देखते हैं सबसे पहला पेरेन्काइमा, व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल्स, हाउ दे आर अरेंज्ड, व्हाट आर देयर मॉडिफिकेशंस। नाउ दिस इज अ टिपिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पेरेन्काइमा। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है टिश्यू का। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दिस ऑल द सेल्स इन दिस ऑल द सेल्स इन दिस टिश्यू आर गोइंग टू बी लिविंग, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज लिविंग टिश्यू। एक मिनट, कौन सा स्लाइड, ये वाला हो गया अमन? यस सर। ओके, सो ऑल द सेल्स आर गोइंग टू बी लिविंग, सो द टिश्यू इज नोन एज लिविंग। नाउ दिस आर ऑल द ग्रुप ऑफ आइसो डायमेट्रिक टाइप ऑफ सेल्स। सेम, जैसे मैंने बताया आइसो मतलब सेम, डायमीटर। सो किसी भी साइड से आप उसको मेजर करो, द डायमीटर विल रिमेन द सेम। ठीक है, दे आर ओवल और स्फेरिकल इन शेप। ओके, now between the cells there will be a intercellular space, and this of course the cytoplasm, along with the cytoplasm vacuole and presence of nucleus, typical plant cell jaisa hota hai waisa hi hai. Hum logon ne pehle dekha tha meristematic cells mein the nucleus was present more in the center and vacuole was absent. Abhi ye permanent tissue hai, matlab ye cells abhi divide nahi hone wale, and because they are not going to divide, therefore they are going to have a prominent vacuole. Along with the vacuole, they will have the nucleus. Okay? So that is how the structures will be seen, with the proper well-developed cell wall made up of cellulose and pectin. So ye diagram pehle aise nikal lo. Challa to. No. Sorry. कौन से दो बॉक्सेस चाहिए पीयूष? ये ग्रुप ऑफ आइसोडायमेट्रिक सेल्स। पीयूष Done, Piyush. बिल्ला बुला नहीं रहा है, उसको बाहर जाना है, इसके लिए चिल्ला रहा है, अभी बाहर से ही आया। फिनिश्ड? डायग्राम निकाल लो ये। डन सर। चलो ना,
What is the location of parenchyma? अच्छा, what is the function of parenchyma? Does anyone remember? किसी को पता है parenchyma का function क्या होता है? Very good. So it is basically responsible for the storage. So whichever part of the plant where the store will be, where the food will be stored, will be a parenchyma. So that is the location of the parenchyma. ठीक है? So it will be like, for example, present in the roots. Okay, present in the stem, present in the fruits, present in the seeds. क्योंकि हर जगह पे this food will be stored. ठीक है? Anatomically, it is present as a part of the epidermis. ठीक है? Then also in the cortex. So cells of the cortex will have parenchymatous cells. Pith, which is the central portion of the stem or of the root. तो वहाँ पे भी रहेगा. Present in the mesophyll, found in the leaf. Leaf के mesophyll cells. It is also part of the xylem as well as phloem. Xylem parenchyma and phloem parenchyma. So anatomically, these are the regions where parenchymatous tissue will be present. ठीक है? आगे बढ़े? Shall we? Yes. Yes, sir. Okay. Function kya rahega? So that you people have already told me. The function of the parenchymatous cells is going to be storage of the food. Lekin parenchyma ke fir modifications hote hain aage. Now, when we say modifications, jaise for example, abhi ye wala parenchyma. Now, this is a typical type of tissue found in the leaves, which has the green color pigment contained in a structure known as the chloroplast. So they will have the presence of chloroplast as an important organelle which contains the chlorophyll. Therefore, the type of this parenchyma is known as chlorenchyma. क्योंकि इसके अंदर chloroplast होता है, इसके लिए इसका हमने नाम क्या दिया? Chlorenchyma. So it's a modification of parenchyma. So naturally, इसका function क्या रहेगा? So it has the one common function, that is photosynthesis. So found where? Mesophyll of the leaf and outer cortex of the stem. तो इसके लिए stem भी कुछ कोई बहुत सारे plants का stem भी आपको green color का दिखेगा. तो वहाँ पे भी chlorenchyma will be present. ठीक है? So the common function of this particular tissue is photosynthesis. Done? ठीक है? So this is how it will be seen, the actual TS of the leaf. And you can see the mesophyll cells, which are greenish in color. और बीच में जो दिख रहा है आपको, vascular bundle से बाहर की तरफ epidermal cells है. Okay? What Aman last slude? चलो, next one. In case of aquatic plants, parenchymatous tissue will undergo modification, where it will show large intercellular space and that space will help in trapping the air. जिसकी वजह से क्या होता है? It provides buoyancy. Buoyancy का मतलब आता है floating tendency. Very good, Adia and Aman. नहीं, very good. So it is known as what? Parenchyma. Aeren मतलब presence of air. So it traps the air so that the plant body or plant structures can float in the water. So it stores the air. Yes, lotus may be hota hai. Correct. So this is pond lily. You can see the air cavities being present here. Na? Pond lily ka section liya to, you can see the air cavities. Right? So this is known as parenchyma. Then we have fiber-like elongated thick-walled cells present in a particular part of the plant. So this is known as prosenchyma, which is also modification of the parenchyma. ठीक है, ये आपको पता नहीं रहेगा, तो just write this down. And it will naturally, because it is fiber-like and having thick-walled cells, so naturally it will be helpful for providing strength and rigidity, called as prosenchyma.
Done. Now there is cutanized parenchyma, which forms the outer layer, that is epidermis, okay, which of the stem and the leaf. Now this is also for the protection, and parenchyma associated with the xylem and phloem, helpful for the storage and conduction of the food. ठीक है, mainly storage, conduction तो होता नहीं है, storage ही होता है इसका. ठीक है, so that is cutanized parenchyma and parenchyma found in the xylem and phloem, associated with xylem and phloem. ठीक है, बस ये कुछ modifications है parenchyma के. Primary and main function of the parenchymatous tissue is storage. अब ये सारे references आएंगे when we are going to study the TS. Transverse section of the root, the stem and the leaves. Done. चलो, the next type, next issue is the colenchyma. अभी parenchyma का TS और colenchyma के TS में फर्क क्या रहेगा देखो, जैसे cell wall will remain the same, nucleus is present, vacuole is present, but if you see there is space present between the cells, but it is filled with a substance. Correct. तो ये एक major difference रहेगा. So characteristics में again the cells are going to be living. So the tissue is living type because all the cells are living. Now the component cells are elongated with blunt ends and looks spherical in the TS. Elongated with a blunt end. मतलब ये ऐसे ऐसे दिखेगा cells. Okay, like this. इसका section में ऐसे लेता हूं. And if I see it from this view, ऐसा view अगर मैं रखता हूं, तो हाउ इट विल लुक लाइक. करेक्ट, ऊपर से देखता हूं मैं इसको तो ये कैसे दिखेगा. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. ओके, सो इट लुक्स स्फेरिकल इन टीएस लिया तो. सो द सेल वॉल इज अनइवनली थिकन्ड. अब ये सेल वॉल का थिकनिंग है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में कुछ तो भी सब्सटेंस जमा हो गया. Okay, so this is basically unevenly thickened due to extra deposition of cellulose and pectin. And that is how this particular tissue becomes more tough. Aur wahi kaam hota hai colenchyma ka, to provide strength and toughness to the plant. Okay. So you can see here cellulose and pectin ka deposition is present between the cells. Okay, so there is no intercellular space because there is deposition of cellulose and pectin. Ye. Iske pehle. Sorry. हो गया. यस सर, ये हो गया लिख के. यस सर. नो सर. बोलो होने के बाद. डन सर.
Okay. So cellulose and pectin deposition will be present between the cell. So the intercellular space is lost. So there is no intercellular space being present because of extra deposition of cellulose and pectin. Presence of cell wall, which is always going to be more rigid as compared to parenchymatous cells. And the cells are much smaller than the parenchyma cells. Size chota rahega, lekin elongated rahenge. Cell wall rigid rahega as compared to parenchyma. ठीक है क्योंकि इसका काम ही वो होता है ना दैट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ओके प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म विद द वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस बीइंग प्रोमिनेंटली प्रेजेंट बट न्यूक्लियस अगेन इज शिफ्टेड टू द पेरिफेरी व्हाई बिकॉज देयर इज लार्ज वैक्यूल लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल Finished. Okay, the next tissue which we have is the colon. Achha, ye, basically location of colenchyma in the plants where it will be present. So, जहां जहां पे भी स्ट्रेंथ की जरूरत है जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है तो वहां पे ये टिश्यू रहेगा सो 3 to 4 लेयर्ड हाइपोडर्मिस ऑफ द हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम का मतलब क्या आता है द ग्रीन स्टेम करेक्ट सो देयर इट विल बी प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द हाइपोडर्मिस सो इसका फंक्शन क्या रहेगा सो द फंक्शन इज टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कैसे जैसे ये हर्बेशियस स्टेम है इसको आपने अगर पकड़ के बेंड किया तो ये टूटेगा नहीं छोड़ दिया तो वापस सीधा हो जाता है सो दैट्स कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ सो दैट स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा एंड इट मेक्स द प्लांट मोर फ्लेक्सिबल Finished? Yes. चलो अच्छा ये वाला टिश्यू है ना दिस इज मोनोकॉट्स और रूट्स में आपको नहीं मिलेगा इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मोनोकॉट्स एंड रूट्स मतलब कोलेनकाइमा इज अ टिपिकल कैरेक्टर ऑफ डाइकॉट स्टेम बट नॉट फाउंड इन मोनोकॉट्स किसी भी मोनोकॉट के पार्ट में और किसी भी रूट में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि रूट में जरूरत नहीं है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है रूट में सो दैट इज व्हाट इज एब्सेंट है ओके चलो नेक्स्ट देयर आर सम मोर फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा जैसे फॉर एग्जांपल इट रेजिस्ट द बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन ऑफ द विंड ठीक है सो विंड अगर रहता है तो उसके अगेंस्ट ये बेंड या फिर पुल होने के चांसेस होते हैं तो दैट इज प्रिवेंटेड सो व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट It will be useful for photosynthesis. Same colenchyma cells present with a content of chloroplast. अगर उसमें chloroplast रहेगा तो photosynthesis करेगा. Same जैसा parenchyma के modification से वैसे ही है. So it allows the growth, elongates and prevents tearing of the leaves. Leaves को फटने नहीं देगा. क्योंकि it provides strength, tensile strength, mechanical strength. Done. Done, sir. Chalo. The next issue which we have in the permanent, simple permanent, last issue in the simple permanent, that's called as the sclerenchyma. Ab ye cells ko dekhkar kya lagta hai? Are these cells living or dead? Very good. So the cells are going to be the dead cells. Matlab tissue bhi dead hai. Correct. And because the tissue is dead, therefore the cells are homogeneous. You can see that there is proper distribution thickening of the cell wall. So they are uniformly thick cell wall. Hai na? So iske do alag alag type aayenge. Kaun kaun se? Sabse pehla aata hai. That's called as the sclerenchyma fibers. Jute fibers wagera jo banta hai na, to that's called as sclerenchyma fibers.
So in the TS, they are polygonal, okay, but are elongated and tapering like this. Correct? Seen as elongated and tapering. लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, पॉलीगोनल शेप में दिखेगा. करेक्ट? टेपरिंग एट बोथ द एंड्स. ये एंड भी टेपरिंग है, ये वाला भी एंड देखोगे तो ये भी टेपरिंग एंड ही है. ओके, नाउ दे आर ऑल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, देयर इज नो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल, सो इंटर सेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट. दे आर ऑल इवनली थिकंड, मतलब सेल वॉल इज इवनली थिकंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. वहां पे क्या था, कोलेन कायमा में कौन सा थिकनिंग था? सेल्युलोज एंड पेक्टिन. वेरी गुड, बिकॉज द सेल इज लिविंग. यहाँ पे सेल डेड हो गया ना, तो मटेरियल बदल गया, तो सेल्युलोज और पेक्टिन की जगह आ गया लिग्निन, एंड लिग्निन मेक्स इट मोर थिक. एंड ऑफकोर्स द प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट बिकॉज द सेल्स आर डेड. ओके, कौन सा फर्स्ट लाइन चाहिए? मधुर रानी. ये yes, डन. डन. आगे बढ़े. ओके, फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ वेयर एग्जैक्टली इट विल बी फाउंड इन द प्लांट बॉडी? तो प्लांट में कहां मिलेगा? हाइपोडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल शीथ ऑफ मोनोकॉट स्टेम. ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में आपको मिलेगा वो लिग्निन वाला स्लाइड. अरे का है लिग्निन वाला स्लाइड, ये वाला. डन अमन? यस सर. ओके, सो यहां पे आपको ये लोकेशन मिलेगा, मेनी लीव्स, पेरिसाइकल एंड सेकेंडरी जाइलम, दैट इज वुड ऑफ द डाइकॉट स्टेम. सो देयर आल्सो यू विल फाइंड वुड, यानी वो ब्राउन कलर का रहता है ना बाहर का, जो एकदम ड्राई रहता है, थिक रहता है. सो दैट इज, दैट आल्सो हैज द स्क्लेरेन्काइमा. सो पार्ट ऑफ इट इज स्क्लेरेन्काइमा. एंड व्हाट विल बी द फंक्शन? बिकॉज द सेल्स आर डेड और दे आर ऑल थिकंड, सो नेचुरली इसका फंक्शन रहेगा टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, दिस विल प्रोवाइड रिजिडिटी, टफनेस. ठीक है, सो इट बेयर द कॉम्प्रेशन, पुल एंड बेंडिंग फोर्सेस. मतलब ये बड़े वाले स्टेम को आप कितना भी बेंड करो फिर भी वो बेंड होता नहीं है. ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन. हो गया, तो मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये तीन टिश्यूज हमारे हो गए. कौन सा? पेरेन्काइमा. अच्छा, स्क्लेरेन्काइमा का ये पहला टाइप है, दूसरा टाइप भी है ना. दिस इज स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, राइट? दैट इज द फर्स्ट टाइप. यही तो लास्ट स्लाइड है ना अमन सर? वो फंक्शन. फंक्शन क्या? ये तो फंक्शन सामने है ना. डन? तो ये तो हो गया स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स. तो दूसरा टाइप का सेल्स आता है, दैट्स कॉल्ड एज द स्क्लेरॉइड्स, स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स. ओके, स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? सो दे एक्चुअली लुक लाइक अ स्टोन, एकदम पत्थर की तरह दिखते हैं, एकदम थिक रहते हैं. ओके, सो दे आर एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स which are very hard, strongly lignified and isodiametric, having various shapes. ठीक है, अलग अलग shapes में रहेगा. isodiametric मतलब diameter किसी भी तरह से देखो it will remain the same. जैसे polyhedral shape रहेगा, star shaped रहेगा, rod shaped रहेगा या फिर bone shaped रहेगा. ठीक है, तो इसके अलग अलग shape आते हैं, shapes of these particular cells. They are called as the sclerites or stone cells.
Yes, sir. So where sclerites will be found now? So they are basically polyhedral as a greet of apple, pear and guava. Greet pata hai kya hota hai? Greet of apple, pear or guava. Pata hai? Andar ka rehta na thick structure. Andar ki taraf, center mein. Upar se niche tak jata hai, ek chota sa dandi rehta hai, jo andar jayega fir fruit ke andar. So that's called as the greet. ओके तो उसके अंदर ये रहेगा रॉड शेप्ड रहेगा इन केस ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द लेग्यूम सीड्स सीड का बाहर का लाइनिंग तो वहां पे रॉड शेप्ड रहेगा स्टार शेप्ड रहेगा इन केस ऑफ लीफ पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स तो वहां पे आपको ये सेल्स मिलेंगे एंड बोन शेप्ड रहेगा इन केस ऑफ सब एपिडर्मिस ऑफ द लेग्यूम सीड्स सो एपिडर्मिस में रॉड शेप्ड स्क्लेराइड्स एंड बोन शेप्ड रहेगा सब एपिडर्मिस लेग्यूम सीड्स में अंदर सीड्स के अंदर रहेगा सो बेसिकली जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर्स है या फिर जहां पे टफनेस हार्डनेस प्रोवाइड करना है तो वहां पे आपको स्क्लेराइड्स मिलेगा सो दैट इज द लोकेशन Done. And function, of course, kya rahega iska? Function will be to provide rigidity, strength, and stiffness to the seed coverings. ठीक है, seed covering को stiffness, rigidity और strength provide करने का काम करेगा sclerites. सर ओ जो ग्रीट आपने बोला एप्पल के जो बीच में रहता वही ना जिसे हम खाते नहीं है करेक्ट पर सर ग्वावा में तो वो रहता ही नहीं ना उसको तो हम ग्वावा में बीच में नहीं रहता है ग्वावा में ऊपर की तरफ रहेगा जो निकालता मतलब, है ब्राउनिश कलर का रहता है मतलब जो पेनिट्रेट अंदर तक नहीं होता वो नहीं होता है वो हाँ ठीक है यस सर Done? Yes, sir. चलो अभी आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यू चालू करना है कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम करेंगे चलो आलोक क्या नो नो यस चल रहा है आलोक का चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं चालू ओके अभी के लिए रुक जाते हैं ए गप का है चलो बाय बाय सी यू टेक केयर थैंक यू सर थैंक यू सर मिलते हैं या बाय बाय सर बाय बाय कैट को दिखाऊं ये देख कैट इकड़ी आई गो बाबा रे ये देख हमारा बिल्ला दिखा यस सर हां चलो बाय बाय सर गुड नाइट